तो आज मैं अपना ब्लॉग इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। मेरी इवनिंग की पहली चाय कॉफ़ी सब हो चुकी है और बस अब मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ आज का व्यू। आज हो रही है हमारे मलेशिया में बारिश, बहुत टाइम बाद हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। आपने यहाँ पर इतनी तेज बारिश हो रही है, यहाँ इतना मजा आ रहा है ठंडी हवाओं के साथ, तो मैंने सोचा आज की ब्लॉग की शुरुआत हम इवनिंग के साथ कर सकते हैं, इवनिंग टी के साथ कर सकते हैं और बारिश के साथ मजे ले सकते हैं। तो यही आज मैं अपना शुरू कर रही हूँ अपनी ब्लॉगिंग, और मैं आपको अपना डिनर रूटीन भी आज बता रही हूँ। आज डिनर रूटीन भी आप को पता चलेगा यहाँ मैं स्पेशल डिनर में क्या बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए और आप आगे देख सकते हैं मेरा डिनर रूटीन। तो गाइज ये है मेरे आलू, आलू मैंने उबाल के रखे थे और अब मैं इसको छोटे छोटे पीस कर रही हूँ क्योंकि थोड़े से हार्ड हो गए थे और थोड़े से बड़े होने के कारण ये मैं पीस कर रही हूँ। और यहाँ डाल दिया है मैंने सौंफ और अब डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद मैं डाल दूँगी नमक टेस्ट अनुसार। तो अब मैंने नमक डाल दिया है, उसके बाद मैंने गरम मसाला डाल दिया है, उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर थोड़ा सा खटाई के लिए, और अब मैं इसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ अच्छे से। इसको मैश करने बहुत ज़रूरी होते हैं और छोटे छोटे से इसको पीस कर लीजिए क्योंकि अगर बड़े हैं हमारे, क्योंकि मैंने इसको बड़े बड़े रखे हैं थोड़े मोटे रखे हैं, तो ये मैंने पीस लिए हैं अच्छे से, सब कर लिया है मैश। अब मैं बनाने जा रही हूँ उसकी छोटी सी बॉल्स, छोटी छोटी बॉल्स अगर आप बनाएंगे तो थोड़ी सी सुंदर भी लगेंगी, तो इसको रख दी है मैंने साइड में। अब फिर अगर आप प्लेट में भी रखना चाहते हो तो दूसरी प्लेट में अच्छे से आप इसको रख सकते हो, अच्छे से बॉल्स बना के इसको दूसरी प्लेट में रख दें। ऐसे ही मैं करके सारी बॉल्स बनाती जाऊँगी। और गाइस इसे इस खुलने नहीं चाहिए, इसको अच्छे से बाइंड कर देना चाहिए क्योंकि अगर खुल जाएंगी तो वो फट जाएंगी और फटने के बाद वो तेल हमारा सारा ख़राब हो जाएगा, तो इसी कारण हमें अच्छे से बॉल, ये देख लीजिए हमने सारी अच्छे से बॉल्स बना ली है। और अब मैं इसके अब कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने इसको हीट चेक कर ली है, थोड़ा सा बेसन डाल देंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं, तो वो बबल्स आ गए हैं। अब हम इसे डिप करके एक एक करके बेसन में कवर करके हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये देख लीजिए हमारे फ्राई हो रहे हैं एक एक करके, ये डाल दिया है मैंने दूसरा, ऐसे ही करके ये देख लीजिए मेरे सारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। तो देख लीजिए कितने अच्छे क्रिस्पी और बहुत डिलीशियस बने हैं और इतने अच्छे लग रहे थे खाने में कि आपको मैं क्या बताऊं। तो आगे देखिए कि मैंने पकौड़े भी बनाए हैं, पकौड़े भी बनाए थे तो बहुत सिंपल भी बनाए थे और अच्छे से खा ली। तो गाइस मैं अब आ गई हूँ डिनर करके, बस अब हमारा सारा काम हो चुका है, सबने कोफ्ते खा लिए हैं, बहुत अच्छे लगे मेरे हस्बैंड को। हाँ आलू ज़रा बहुत कम थोड़े से गले थे क्योंकि उसमें मुझे बहुत मशक्कत हो गई थी क्योंकि मैंने गैस बहुत जल्दी ऑफ कर दिया था, मुझे लगा आलू इस समय गल गए होंगे क्योंकि बेबी भी उठ गया था, बार बार उठ रहा था, उसे मैंने सुलाया था बट वो उठ गया था, तो मुझे भी वो गैस बंद करके जानी पड़ी, तो इस वजह से थोड़े से आलू कम गले थे क्योंकि मैश होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था उसको। तो बस मैंने कोफ्ते की तैयारी अच्छे से कर ली थी, आपने जैसे कि आपने देखा कि कोफ्ते इतने अच्छे तरीके से फ्राई वगैरह हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में भी, हमें भी बहुत मज़ा आया और हस्बैंड ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो बस और मैंने उसके बाद पकौड़े भी बनाए थे जो कि नॉर्मल वाले थे, जो कि प्लेन थे एकदम, और उसके बाद मैंने जो बन होती है उसको मैंने बीच में से कट करके
उसमें बेसन को कवर अप करके मैंने वो सब चीज़ें भी आपको दिखाई थी, तो मैंने वो भी तैयार कर लिया था। तो आज का डिनर हमारा बहुत अच्छे से हो गया है, कुछ अच्छा खाया है। बहुत दिनों से हमें लग रहा था कि हम कुछ बारिश का वो मज़ा लें, बारिश आ ही नहीं रही थी, इसी वजह से आज बारिश हुई तो हमने भी कुछ अच्छा सा स्पेशल डिनर किया है। तो बस इसलिए मैं अब आ गई हूँ व्लॉग को यहीं एंड करने के लिए, क्योंकि अब हमें भी सोना है, बहुत रात हो गई है। तो बस अब हमें दीजिए इजाज़त, तो मिलती हूँ मैं आपको कल वाले व्लॉग में, अपने नए व्लॉग में। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं कल, सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय।